हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ नवरात्रि व्रत के लिए बिल्कुल हेल्दी और काफ़ी सॉफ्ट इडली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और साथ ही हम इसके बनाएंगे चटपटी चटनी। और इस रेसिपी को बनाना बिल्कुल आसान है और व्रत में काफ़ी हेल्दी और बिल्कुल झटपट से बनने वाली रेसिपी है। तो इस रेसिपी को इन नवरात्रों में आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को एंड तक वॉच करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल और इसमें ऐड करेंगे हाफ कप साबूदाना। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी और बिल्कुल अच्छे से इसे वॉश कर लेंगे। अच्छे से वॉश करने के बाद अब हम इसे ढक कर रख देंगे एक घंटे के लिए, ताकि जो साबूदाना है बिल्कुल अच्छी तरह से फूल जाए। एक घंटे साबूदाना भीगने के बाद ये लीजिए, साबूदाना बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुके हैं। तो अब हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। और अब हम लेंगे हाफ कप समा के चावल। ये इजीली मार्केट में मिल जाते हैं और ये वर्थ के चावल होते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे इस तरह से चावल मिलते हैं। और इस तरह से मैंने लिया ये हाफ कप समा के चावल और मैंने डाला है इसे मिक्सी जार में और बिल्कुल इसका फाइन पाउडर बना के तैयार करेंगे। और ये लीजिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया। आप देख सकते हो बिल्कुल फाइन इसका पाउडर बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल बारीकी से पीस लेना है। और अब हम इसे डाल देंगे एक बोल में और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे साबूदाना जो हमने भिगो के रखे थे। मैंने इस तरह से साबुत ही इसमें साबूदाना ऐड किया है। 1 कप इसमें ऐड करेंगे दही। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे वर्त वाला 1/2 टीस्पून नमक। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप पानी। और पानी डालने के बाद अब हम अच्छे से कर लेंगे इसे मिक्स। मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढककर रख देंगे 15 मिनट के लिए, ताकि जो हमने इसमें समा के चावल ऐड किए बिल्कुल अच्छी तरह से फूल जाए। और जब तक हमारा बैटर अच्छे से फूल के तैयार होता है, तब तक हम इसकी चटनी बना के तैयार कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सूखा नारियल। अगर आपके पास कच्चा नारियल है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी मूंगफली, हरा धनिया, 2 से 3 इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची, छोटा सा टुकड़ा डालेंगे अदरक का, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे वर्त वाला नमक। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह से इसे पीस लिए। और ये लीजिए, हमने चटनी को बिल्कुल अच्छी तरह से पीस लिया है। अगर आपको इसमें पानी की जगह दही ऐड करना है तो आप इसमें दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से चटनी को पीसने के बाद अब हम इसे ट्रांसफर करेंगे एक कटोरी में। कटोरी में चटनी डालने के बाद अब हम इसका तड़का बना के तैयार करेंगे। तो तड़का बनाने के लिए लेंगे एक तड़का पैन और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून घी। घी गर्म होने के बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सफेद तिल, थोड़ी सी डाल देंगे इसमें राई, 2 से 3 मैंने इसमें ऐड किया हरी मिर्ची, थोड़े से डाल देंगे इसमें करी पत्ते और अच्छी तरह से इसे चटकने देंगे। अच्छे से तड़का चटकने के बाद ये लीजिए, हमारा तड़का बनके हो गया तैयार। तो अब हम इसे डाल देंगे चटनी में। तड़का चटनी में डालने के बाद ये लीजिए, हमारी चटनी बनके हो गई है तैयार। चटनी तैयार करने के बाद हमारे बैटर को भी 15 मिनट हो चुके हैं रखे हुए। तो 15 मिनट के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 पैकेट इनो का। अगर आप व्रत में इनो नहीं इस्तेमाल करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 1 पैकेट इनो ऐड किया है ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से फूल जाए। इनो डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि इनो एक्टिवेट हो जाए। पानी डालने के बाद अच्छे से कर लेंगे इसे मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये लीजिए, हमारे इडली का बैटर बनके तैयार हो गया है। और अब हम लेंगे इडली मोल्ड और इसे ऑयल से कर लेंगे अच्छे से ग्रीस, ताकि ये बिल्कुल चिपके ना। ऑयल से अच्छे से ग्रीस करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे इडली का बैटर। ध्यान रहे, जब भी आप इडली बनाए तो इसे बहुत ज़्यादा ना भरे, क्योंकि जब ये हमारी इडली हम स्टीम करते हैं तो ये काफ़ी फूल जाती है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसमें बैटर डालें। और इस तरह से मैंने सभी इडली के मोल्ड में बैटर को ऐड कर लिया है। तो अब हम करेंगे इसे स्टीम। तो मैंने स्टीम करने के लिए पहले ही पानी को थोड़ा सा गर्म कर लिया था। गर्म करने के बाद मैंने इसमें इडली मोल्ड ऐड कर दिया है और अब हम इसे 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। 15 मिनट के बाद हमारी इडली बनके तैयार हो जाती है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारी इडली बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे निकाल लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद अब हम इसे अनमोल्ड करेंगे। और ये लीजिए, जो हमारी इडली है बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुई है। आप देख सकते हो काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी टेस्टी बनके तैयार हुई है और साथ ही काफ़ी हेल्दी है। तो व्रत में आप इस इडली रेसिपी को ट्राई करें। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए जो हमारी इडली है काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी टेस्टी बनके तैयार हुई है। तो आप इन नवरात्रों में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।